दाऊद से जुड़ी 10 खास बातें बताते हैं। दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई, पाकिस्तान में दाऊद को जहर दिए जाने की चर्चा है इस वक्त, और 10 किस्से अगर दाऊद के हम देखें तो वो क्या है। सबसे पहली बात तो टीनेज में ही अपराध की दुनिया में कदम रखा दाऊद ने। गैंगस्टर शाबिर इब्राहिम कास्कर का बड़ा भाई था, और नंबर 3 मुंबई का सबसे कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना बना दाऊद इब्राहिम। लंबे समय तक अंडरवर्ल्ड को लीड करता रहा, अलकायदा और लश्कर से भी इसके रिश्ते रहे हैं। 1993 मुंबई आतंकी हमले में सबसे बड़ा गुनहगार था दाऊद इब्राहिम। छोटा राजन कभी उसका दाया हाथ कहा जाता था, और FBI की दुनिया के टॉप वांटेड लिस्ट में नंबर 3 पर है दाऊद इब्राहिम। खुद और गुर्गो ने रियल एस्टेट में जमकर पैसा लगाया, दाऊद इब्राहिम का यह धंधा था, और हवाला के तमाम बड़े कारोबार में इसका हाथ रहा है। बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स और सेलिब्रिटीज से उसकी उगाही की खबरें भी सामने हैं। एक बार फिर से सुनते हैं आरजू काजमी ने इसको लेकर क्या कहा। मनीष हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनीष, जैसा आप बता रहे थे कि लगातार पाकिस्तान इस डिनायल मोड में रहा कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है, अब ये जो खबर सामने आई है इन केस कुछ भी ऐसा होता है दाऊद इब्राहिम के साथ, तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी, एक्सेप्ट करना पड़ जाएगा कि हाँ दाऊद इब्राहिम के साथ कुछ हुआ है पाकिस्तान के अंदर। देखिए, पाकिस्तान की फितरत हमेशा से रही है कि चित भी मेरी पट भी मेरी, तो आज तक वो डिनायल करते रहे, लेकिन अगर वाकई में ऐसी एक घटना घटती है, कम से कम भारत के नजर से देखें तो भारत सरकार का से अलग भारत के लोगों के लिए इससे बड़ी राहत की बात और इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी कि एक आतंकी इस तरह से अपनी बेमौत मरा। तो वैसी स्थिति में कोई भी घटना घटती है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तानी उसका भी एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि हमें तो नहीं पता था, जैसे उन्हें पता नहीं था कि ओसामा बिन लादेन उनके यहाँ है, वैसे ही वो कहेंगे हमें तो नहीं पता था लेकिन चलिए मारा गया तो आपको बधाई। तो पाकिस्तान की तरफ से ये होगी, लेकिन बहरहाल एक बार जब अस्पताल से ऐसी कोई सूचना मिलती है, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरजू खुद भी बहुत संवेदनशील पत्रकार है, ऐसी बात नहीं है कि वो हवा में बात, बिल्कुल जो उन्होंने वीडियो में बात कही है उससे कम से कम इतना इशारा होता है, वो बार बार कह रही है कि कुछ तो ऐसा लग रहा है कि दाल में काला है। अब ये दाल में काला क्या वाकई में दाऊद इब्राहिम है, अभी इंतजार करना होगा। शुक्रिया फिलहाल मनीष आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो दाऊद इब्राहिम को लेकर यह बड़ा दावा सामने आया है, हालांकि पाकिस्तान सरकार ने अभी पुष्टि नहीं की है। सोशल मीडिया साइट्स रात भर बंद रहे हैं, और दाऊद इब्राहिम के कराची के एक हॉस्पिटल में भर्ती किए जाने की खबरें सामने आ रही हैं। यह भी दावा किया जा रहा है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दिया जिसकी वजह से उसकी स्थिति खराब हो गई है। फिलहाल इंतजार है पाकिस्तान की तरफ से इस पर क्या रिएक्ट किया जाता है।